कृष्णा चैनल में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। हर हर महादेव। श्रावण मास में शिव पुराण कथा जो भी शुरू करता है और जैसा संकल्प करता है उस तरह से उसे निभाना चाहिए। संक्षिप्त में ये शिव पुराण कथा अवश्य एक अध्याय दो अध्याय जितना भी समय मिले उतना करना चाहिए। नियम ये है कि जब शिव पुराण शुरू करें पाठ का तो इनको थोड़ा सा जल का इस तरह से छींटा दें, इन्हें चंदन वगैरह लगा करके अक्षत लेकर के हाथ में अक्षत और पुष्प लेकर के संकल्प जरूर बोलें। मनोकामना हो तो उस तरह से संकल्प बोलें, फिर धूप बत्ती दीप वगैरह इनको जरूर दिखाएं। पुस्तक का पूजा करना बहुत ज़रूरी होता है। पुस्तक का ये पुराण कोई ऐसा नहीं है, पुराण समझो कि ये भगवान का ही वचन है, तो इनका पूजन धूप दीप दिखा करके पूजा करना चाहिए, उसके बाद पाठ शुरू करना चाहिए, यही नियम होता है। इसमें यह शिव पुराण नामक ग्रंथ 24,000 श्लोकों से युक्त हैं। इसकी 7 संहिताएं हैं। मनुष्य को चाहिए कि वह भक्ति और ज्ञान और वैराग्य से संपन्न हो, बड़े आदर से इसका श्रवण करें। 7 संहिताओं से युक्त यह दिव्य शिव पुराण परम ब्रह्म परमात्मा के समान विराजमान है, सबसे उत्कृष्ट गति प्रदान करने वाला है। जो निरंतर अनुसंधान पूर्वक शिव पुराण को बाँचता है अथवा नित्य प्रेम पूर्वक इसका पाठ मात्र करता है वह पुण्यात्मा है, इसमें संशय नहीं है। जो उत्तम बुद्धि वाला पुरुष अंतकाल में भक्ति पूर्वक इस पुराण को सुनता है उस पर अत्यंत प्रसन्न हुए भगवान महेश्वर उसे अपना परम धाम प्रदान करते हैं। जो प्रतिदिन आदर पूर्वक इस शिव पुराण का पूजन करता है वह इस संसार में संपूर्ण भोगों को भोग कर अंत में भगवान शिव के पद को प्राप्त कर लेता है। जो प्रतिदिन आलस्य रहित हो रेशमी वस्त्र आदि के वेष्टन से इस शिव पुराण का सत्कार करता है वह सदा सुखी होता है। यह शिव पुराण निर्मल तथा भगवान शिव का सर्वस्व है। जो यह लोक और परलोक में भी सुख चाहता है प्रेम पूर्वक इसका सेवन करना चाहिए। यह निर्मल एवं उत्तम शिव पुराण धर्म अर्थ काम मोक्ष रूप चारों पुरुषार्थों को देने वाला है, अतः सदा प्रेम पूर्वक इसका श्रवण एवं विशेष पाठ करनी चाहिए। बोलिए शंकर पार्वती की जय, उमा महेश्वर की जय।